शहर से लगे सकालो स्थित शासकीय कुकुट फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद आज शासकीय कुकुट फार्म में रखे गए करीब 22,000 मुर्गे मुर्गियों को दफना दिया गया। शहर के मटन मार्केट स्थित मुर्गा दुकानों को बंद करा दिया गया है। वहीं सरगुजा में बर्ड फ्लू की पुष्टि की खबर के बाद मटन मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। दरअसल सकालो स्थित शासकीय कुकुट फार्म के सैंपल भोपाल भेजे गए थे, जहां पर फार्म की मुर्गों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि सोमवार देर शाम को हुई, जिसको लेकर कल ही कार्यवाही का खाका तैयार कर लिया गया था। आज सुबह फार्म में रखे गए 21,930 मुर्गों को सामूहिक रूप से दफनाने के लिए परिसर में ही जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर सभी मुर्गों को दफन कर दिया गया। इस दौरान वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक थी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आज फार्म के सभी मुर्गे मुर्गियों को दफना दिया गया है। अब फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म में रखे गए मुर्गों को भी इसी प्रकार दफनाया जाएगा। इसके लिए मुर्गी पालकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण का मामला सामने आने पर इसके रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है। उन्होंने बताया कि शासकीय कुकुट पालन परिक्षेत्र सकालों में पंछियों के किलिंग डिपोजल एवं डिसइन्फेक्शन के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नई सौगात मिली है। यहां आज ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शुभारंभ किया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगने से अब यहां उपचार कराने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने बताया कि 24 घंटे में अनुमति 175 सिलेंडरों के अनुरूप यह ऑक्सीजन जनरेट कर पाएगा। वर्तमान में इसे 110 बेड के साथ जोड़ा गया, जो चालू हो गया है। इसे बहुत जल्दी दोगुना किया जाएगा। इससे 1 करोड़ की वार्षिक बचत होगी। साथ ही जो गंभीर मरीज हैं, उन्हें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएंगे, जिससे इलाज में गुणवत्ता बढ़ेगी और जीवन रक्षा में मदद होगी। पूरे छत्तीसगढ़ में ही 22 या 23 स्थानों पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि स्वयं का आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के मामले में होना बेहतर है। बाहर की व्यवस्थाएं देश भर में अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए, आपात स्थिति आ जाए, छत्तीसगढ़ में निर्मित होने वाला ऑक्सीजन भी अगर अन्य राज्यों के लिए देने की स्थिति आ जाए तो आत्मनिर्भरता कहीं बेहतर है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने निर्णय किया और अलग अलग आकार का, छोटे बड़े आकार का, स्थान और आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट स्थापित करना प्रारंभ किया। आज कल सूरजपुर में लोकार्पित हुआ, आज अंबिकापुर में यहाँ लोकार्पित हो रहा है। 175 सिलेंडर प्रतिदिन, 2,75,00,000 रुपए की लागत। यह वर्तमान में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय में प्रारंभ किया गया है। 24 घंटे में लगभग अनुमानित 175 सिलेंडरों की व्यवस्था के अनुरूप यह ऑक्सीजन जनरेट कर पाएगा और इसको अभी वर्तमान में हमने 110 बेड से जोड़ रखा है, जो चालू हो गया है, और इसे बहुत जल्दी हम दुगुना करने जा रहे हैं। इससे न केवल लगभग 1 करोड़ वार्षिक की बचत होगी, बल्कि जो गंभीर मरीज हैं उनको अनवरत और निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई भी हम कर पाएंगे। इससे इलाज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जीवन रक्षा में भी मदद होगी। उदयपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत साली के इमलीपारा में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। मैच समापन के पश्चात मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभा को संबोधित करते हुए अदानी कंपनी पर नाराजगी जताई। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अदानी इतनी बड़ी कंपनी है, इसे तो बिन मांगे समस्याओं को खुद देखकर आगे आकर काम करना चाहिए। अदानी कंपनी की भी बात आई, मैं तो खुद ही इस कंपनी से बात रख के हार मान के बैठ चुका। कम से कम 200 लोगों के नौकरी के लिए मैंने इनको लिखा होगा, एक भी नौकरी मेरे हिसाब से, मेरे कहने पे इस कंपनी ने नहीं दिया। इतना दिन निकल गया और मैंने अब ये मन बना लिया है कि इस कंपनी से अब मांगेंगे नहीं, लेंगे, जो ले सकेंगे वो लेंगे, वरना इस कंपनी से मांगना नहीं। इतनी बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़े औद्योगिक घरानों वाली कंपनी, और जिनको स्वयं जिम्मेदारी समझ के काम देना चाहिए, विकास के अभी बात भी आ रही थी कि दिया तले अंधेरा, यहाँ के लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो उनको खुद सुबह उठते साथ देखना चाहिए कि कम से कम जहाँ कोयला का खनन हो रहा है, जहाँ से कोयला ले जाके कहते हैं कि भाई देश की तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जहाँ से कोयला ले जा रहे हैं वहाँ तो उतना ध्यान देके